हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सियल लाइन पे जो है हमारा लास्ट टॉपिक किया था हमने। आज का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कि अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो चलिए देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी होगी और कैसे उसको हम निकालेंगे। टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ ए डाइपोल। सबसे पहले तो आपको उसकी फिगर पता होना चाहिए किस प्रकार से बनेगी। देखिए, ये आपके पास डाइपोल है, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ये हम कम से कम भी 20 बार कर चुके होंगे इसको और आपको याद भी हो चुका होगा। और ये आपका मिडल पॉइंट ओ, इक्वेटोरियल लाइन आपको पता, जो ये मिड पॉइंट होता है इसके ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन है उसी को हम क्या बोलते हैं, इसकी इक्वेटोरियल लाइन। हम मान लेते हैं यहाँ पे अपना जो है पॉइंट पी है जिसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, इस नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे और दोनों क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो देखिए, इसको हम V1 मान लेते हैं, इसको हम V2 मान लेते हैं, टोटल को मान लेते हैं V, तो किसके इक्वल हो जाएगा ये V1 प्लस V2। अब आपको ये पता होना चाहिए कि एक सिंगल पॉइंट चार्ज के कारण किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होती है, ये टॉपिक हम पहले भी कर चुके हैं। तो देखिए, जो हमारी सिंगल पॉइंट के कारण होगी वो इसके इक्वल होगी 1/4πε0, यहाँ पे तो होता है वो चार्ज और डिवाइड में होती है उसकी डिस्टेंस, सोर्स चार्ज की जिस पॉइंट पे आपको निकालनी है उसके बीच की डिस्टेंस। अब डिस्टेंस का मामला देखिए, यहाँ पे ये इंटरेस्टिंग है, डायपोल की लेंथ आपको पता है 2a होती है, मिड पॉइंट से देखेंगे तो a इधर रह जाएगी और a इधर, जिस पॉइंट के ऊपर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है उसकी हम डिस्टेंस मान लेते हैं r है। तो देखिए, जो ये AOP है ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में आपको ये डिस्टेंस चाहिए AP, क्योंकि आपको इस सोर्स चार्ज से टेस्ट चार्ज के बीच की डिस्टेंस पता इसलिए चाहिए क्योंकि इन दोनों को आप जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे तो फॉर्मूले में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये कैसे निकालेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लो, ये हाइपोटेन्यूज बनता है आपका, तो परपेंडिकुलर का स्केयर प्लस बेस का स्केयर, और जब इसकी एच की वैल्यू निकालेंगे तो इसके ऊपर क्या जाएगा, स्केयर रूट। सेम इस ट्रायंगल में करके देखेंगे तो यहाँ से भी सेम यही वैल्यू बनेगी, √r² + a². जो चार्ज है एक का नेगेटिव चार्ज है, एक का पॉजिटिव चार्ज है। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे इसको हम, V1 + V2, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इसकी डिस्टेंस AP, इसकी डिस्टेंस BP, डिस्टेंस दोनों ही कैसी है सेम, इसका जो नेगेटिव चार्ज था वो नेगेटिव सिंबल कहाँ आ गया, आगे। अब देखिए, सेम क्वांटिटी माइनस की, सेम क्वांटिटी प्लस की, तो इक्वेटोरियल पॉइंट के ऊपर आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि प्रूफ करो कि किसी डायपोल के इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण उसके इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, 0। आपसे प्रूफ भी करवा सकता है और सीधी वैल्यू पूछ भी सकता है कि कितनी होगी, तो कितनी होगी उसकी वैल्यू, 0 होगी। कैसे होगी वो हमने ये अभी देखा है, यहाँ पे क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक होता था इलेक्ट्रिक डायपोल का कि अगर उसके एट एनी पॉइंट के लिए हम वैल्यू कैलकुलेट करें, मतलब ना तो वो उसके एक्सियल लाइन पे है ना इक्वेटोरियल लाइन पे, बल्कि वो हमारे डायपोल के सेंटर के साथ कुछ एंगल थीटा बनाता है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। देखिए, सबसे पहले तो आपको यही स्टार्ट करना है टॉपिक में, लेट अस कंसीडर इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ 2 पॉइंट चार्ज −Q and +Q सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2a। यहाँ तक हमने अपने डायपोल के बारे में बता दिया, उसके बाद हम बताएंगे कि हम बताना चाहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी पॉइंट पी के ऊपर जो डिस्टेंस आर पे है फ्रॉम द सेंटर, मेकिंग एंगल थीटा, और ये एंगल किसके साथ होता है, डायपोल मोमेंट पी के साथ। याद रखना है आपको, डायपोल मोमेंट −Q से +Q की तरफ, मतलब इस डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा हमारा ये पॉइंट बनाएगा। तो चलिए इसकी फिगर देख लेते हैं। ये देखिए, ये आपको इसकी फिगर दिखाई गई है, यहाँ पे ये आपका डायपोल है डिस्टेंस 2a, यहाँ पे है आपका पॉइंट पी, ये पॉइंट पी डायपोल के सेंटर से कितनी दूरी पे है, आर पे, और ये हमारा इसके साथ एंगल कितना बनाता है, एंगल थीटा, क्लियर है। अब इस पॉइंट पी के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे इस डायपोल के कारण, तो हम क्या करेंगे, पहले तो नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालेंगे, फिर पॉजिटिव चार्ज के कारण, और दोनों को ऐड कर देंगे। अब देखिए,
जब नेगेटिव चार्ज के कारण यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी हमें। हम मान लेते हैं इसकी डिस्टेंस कितनी है आर वन, और पॉजिटिव वाले की जो डिस्टेंस है इससे वो हम मान लेते हैं आर टू। इसको आप आर वन इसको और आर टू इसको भी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, ये सिर्फ एक सिंबल है जो नाम दिए गए हैं इसको। हमारा डायपोल मोमेंट किस तरफ है, इस डायरेक्शन में है, क्लियर है। और हमारा जो ये पॉइंट पी है इसने एंगल थीटा बनाया हुआ है हमारे डायपोल के सेंटर पॉइंट पे। तो देखिए पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इसको मान लेंगे हम वी वन, एंड पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज वी टू। दोनों की आप सेपरेट वैल्यू लिखेंगे, फॉर्मूला आपको पता है, यहाँ पे चार्ज और यहाँ पे डिस्टेंस, एक में तो माइनस और आर वन, एक में प्लस और आर टू। उसके बाद आप लिखोगे नेट पोटेंशियल, कि जो नेट पोटेंशियल है वो कितनी होगी, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल सकते हैं आप, वी इज इक्वल टू वी वन प्लस वी टू। दोनों के फॉर्मूलाज आपको पता है, दोनों क्या कर दो डायरेक्टली ऐड कर दो। अब यहाँ देखिए इसके पहले टर्म के आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो आपका कॉमन है, वन बाई आर टू प्लस का इसको हम पहले लिख लेते हैं, वन बाई आर टू प्लस का तो इसको हमने लिख लिया यहाँ पहले, और ये वन बाई आर वन माइनस का था इसको हमने बाद में लिख दिया। क्लियर है इतना, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का एलसीएम ले लिया, एलसीएम कैसे आएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे नीचे, देखिए आर वन जो आपका इधर आ जाएगा, आर टू आपका इधर आ जाएगा। क्लियर है, ये यहाँ तक का आपका रिलेशन बन चुका है ये वाला। अब यहाँ दिक्कत क्या है, देखिए जब भी हम इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण कोई क्वांटिटी निकालते हैं, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालें, उसकी वैल्यू हम एक तो जो उसका सेंटर पॉइंट से डिस्टेंस है, अब यहाँ पे हमने जो आर मान रखी है इसकी टर्म में निकालते हैं, और दूसरा जो है डायपोल मोमेंट पी की टर्म में निकालते हैं। यहाँ तो इनमें से कोई भी टर्म नहीं आई है, ना तो आर आया है और ना ही आपके पास है जो डायपोल मोमेंट पी है वो आया है। तो इसकी टर्म में इसको लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ से हम एक अजम्पशन करते हैं, इफ द पॉइंट पी लाइज फार अवे फ्रॉम द डायपोल, कि अगर हमारा पॉइंट पी डायपोल से काफी दूर हो, तो इसने बताया है कि जो आर वन माइनस आर टू होगा, जो ये ऊपर की टर्म है, ये अप्रोक्सीमेटली, देखिए ये सिंबल अप्रोक्सीमेटली वो दिखाता है, अगर इक्वल टू कन्फर्म है तो ऐसे होगा, अप्रोक्सीमेटली ऐसे दिखाते हैं कि आस पास है, इसके नजदीक है ये। इसने बोला ये ए बी कोस थीटा है, अब इसने ये वैल्यू डायरेक्ट निकाली है, देखिए आपको निकाल के दिखाते हैं ये वैल्यू आई कैसे है। अब सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जब ये पॉइंट पी इस डायपोल से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है, तो इसका पी का जो एंगल है इस मिड पॉइंट पे ओ के ऊपर थीटा, आपको पता है डायपोल बहुत छोटा सा होता है, तो जो एंगल इसने इस पॉइंट पी पे बना रखा है वही एंगल अप्रोक्सीमेटली इसका कहाँ होगा, इस पॉइंट के ऊपर भी होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि जब हमारा ये पॉइंट दूर है तो यहाँ पर भी एंगल कितना बनाएगा, थीटा बनाएगा। इसके बाद हमने एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन की, यहाँ बी पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए पी लाइन के ऊपर, क्लियर है। अब जब यहाँ से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और ये पी पॉइंट हमारा काफ़ी दूर है, तो ये दोनों डिस्टेंस हमारी क्या बचगी, इक्वल बचगी, क्योंकि यहाँ से हमने इन दोनों को तो इक्वल कट कर दिया, यहाँ पे इसके बाद दोनों सेम पॉइंट तक गई हैं, आर वन और आर टू आपका क्या बचा, इक्वल। अब इसको देखते हैं इस वाली लाइन को, ये पूरी लेंथ कितनी थी, आर वन थी, ये जो यहाँ से यहाँ तक का टुकड़ा बचा है ये किसके इक्वल हो चुका है, आर टू के। अगर आपको सिर्फ ये इतनी लेंथ निकालनी हो यहाँ तक की, तो इस टोटल लेंथ में से, टोटल लेंथ में से इस वाली को माइनस कर दें, देखिए इसको ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ में से आपको ये इतनी निकालनी है, तो आप क्या करो इस पूरी में से इसको माइनस कर दो इतने वाली को, तो आपके पास कौन सी लेंथ रह जाएगी, ये वाली लेंथ रह जाएगी आपके पास, क्लियर है। अब ये पूरी को हम आर टू की टर्म में कर रहे हैं क्योंकि अपने पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू अपनी आर वन, तो टोटल आर वन में से आर टू माइनस कर दें तो ये वाली लेंथ बच जाएगी, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आर वन माइनस आर टू यहाँ से लेके यहाँ तक के लेंथ को कैसे निकाला, टोटल में से ये वाली दूरी माइनस कर दी, ये किसके बराबर, आर टू के, तो अपने पास आर वन माइनस आर टू क्या बनया, यहाँ तक का पॉइंट बन चुका है आपका, ये ए है ये बी है, इसको आप कुछ भी नाम दे दो, सी नाम दे दो, तो ए सी कितना बने आपका, आर वन माइनस आर टू। अब देखिए ए सी बी क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, बिल्कुल राइट एंगल ट्रायंगल है। इसके अंदर
आप इस आर वन माइनस आर टू की वैल्यू निकालें, तो देखिए यहाँ पे एंगल थीटा, यहाँ पे एंगल 90 डिग्री का, तो ए सी आपका क्या बनेगा, बेस बनेगा, ए सी बेस। इस ट्रायंगल में ये तो आपको पता ही नहीं कितनी दूरी है बी सी तो, लेकिन ए बी का पता है, ये कितना नीचे 2a, इसको आप ए बी लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए बेस बाई, ये तो परपेंडिकुलर था या हाइपोटेन्यूज, तो बी बाई एच, टेंथ क्लास में आपने किया हुआ ये रिलेशन, किसके इक्वल होता है, कोस थीटा के, थीटा अपना ये एंगल यहाँ का था। अब हमें तो इसकी वैल्यू निकालनी आर वन माइनस आर टू की, तो 2a को उठा के कहाँ ले जाओ, इधर ले जाओ, तो ये क्या बनेगा 2a cos थीटा किसके इक्वल, ac के। देखिए इसको दोबारा लिखते हैं, ac के इक्वल क्या बनेगा 2a cos थीटा, ac कौन है, ये डिस्टेंस किसके बराबर है, r1 माइनस r2, तो r1 माइनस r2 की वैल्यू कितनी बनी 2a cos थीटा। ये बात क्लियर है आपको, अगर कहीं से ये पॉइंट समझ में ना आए तो वीडियो को रिपीट करके देखना एक बार, फिर भी ना समझ आए तो मैसेज कर देना ग्रुप में, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया जाएगा इसका। चलिए आगे चलते हैं टॉपिक पे, देखिए यहाँ तक आ चुके हैं हम, r1 माइनस r2 की वैल्यू 2a cos थीटा कैसे आई ये हम निकाल चुके हैं। इसके बाद जो आपका ये रिलेशन था, जो हमने इसको यहाँ इक्वेशन बना के छोड़ा था, r1 माइनस r2 की वैल्यू तो निकल गई, किसकी टर्म में, 2a और cos थीटा की टर्म में, क्योंकि तो आपको पता है जब p की टर्म में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या चाहिए, 2a क्या चाहिए, क्या वो अपने पास बाहर पड़ा है, 2a हम यहाँ से ले आए, बची टर्म ये r1 और r2। अब देखिए r1 और r2 की जो मल्टीप्लाई है, हमने क्या दिखाया है यहाँ पे कि अगर हमारा पॉइंट P काफ़ी दूर हो डायपोल से, डायपोल से अपना पॉइंट P काफ़ी दूर है, डायपोल अपना बिल्कुल छोटा सा, इससे बहुत दूरी पे ये कोई पॉइंट है, तो उस केस में ये दोनों लेंथ अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, किसके इक्वल मान सकते हैं इसको हम, ये जो मिडल की डिस्टेंस है, मिडल वाले क्या नाम दे रखे हमने, आर नाम दे रखे है, तो यहाँ से हमने क्या माना कि जो आर वन आर टू है उनकी गुणा अप्रोक्सीमेटली, देखो दो सेम टर्म की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्केयर हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली किसके को ले सकते हैं हम आर स्केयर के। अब ये आर वन माइनस आर टू और आर वन इंटू आर टू की वैल्यू दोनों पुट कर दो, देखिए इसकी वैल्यू टू ए कोस थीटा हमने ऊपर पुट कर दी, नीचे वाले आर वन आर टू की वैल्यू हमने आर स्केयर नीचे पुट कर दी, क्लियर है। अब यहाँ से देखोगे टू ए क्यू, इसको आप क्या पुट कर सकते हो, डायपोल मोमेंट पी की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ये आपका बनेगा पी कोस थीटा बाई में आर का स्केयर। यहाँ तक की आपकी वैल्यू बन जाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की किसी भी डायपोल के कारण उसके एट एनी पॉइंट पे, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी कोस थीटा बाई आर स्केयर। इसके बाद ये देखिए ये क्या किया गया है, देखिए आपको पता है जो कोस थीटा होता है वो हमेशा कौन सी प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है, क्लियर है, तो डॉट प्रोडक्ट को दिखाने के लिए इसने क्या किया, ऊपर आर से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे आर से मल्टीप्लाई कर दी, नीचे क्या बन जाएगा आर क्यूब, और कोस थीटा को हटा के ऊपर क्या लिख सकते हैं, पी वैक्टर की मल्टीप्लाई आर के साथ। देखिए पी आपका कौन था, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल मोमेंट ये, और आर आपका कौन था ये, और इनके बीच का एंगल क्या था आपका थीटा, तो ये इसने जो इसको वेक्टर फॉर्म में दिखाया हुआ है, बाकी और कुछ भी नहीं है। इस आर वेक्टर की जगह आगे आर कैप लिख दिया तो इसकी डायरेक्शन दिखाएगा, आपको पता है कोई भी आर कैप लिखोगे तो ये आर वेक्टर बाई मैग्नीट्यूड, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो यहाँ से जो आर है नीचे से एक आर इसका हट जाएगा, ऊपर सिर्फ आर कैप, ये इसकी वैक्टर फॉर्म में इसको दिखाया गया है। अब अगर हम इसका स्पेशल केस देखें, देखिए जब भी हम एट एनी पॉइंट का केस करते हैं उसको स्पेशल केस में कन्वर्ट करके देखते हैं कि क्या एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन को ये वेरीफाई करता है क्या। देखिए पहला केस हमारा जब पॉइंट पी, अब यहाँ तो पॉइंट पी इस एंगल पे लाई करता था, इसने बोला कि जब ये एंगल थीटा या 180 बनाता हो, सॉरी जीरो या 180 बनाता हो, जीरो बनाएगा तो ये एंगल ऐसे कम होता होता इस एक्सियल लाइन पर आ जाएगा, और 180 बनाएगा तो इधर बढ़ता बढ़ता इधर एक्सियल लाइन पे आ जाएगा। उस केस में v की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो देखो cos थीटा था, cos थीटा दिया तो जीरो रखोगे या 180 रखोगे, जीरो रखोगे तो वैल्यू 1 आएगी, 180 रखोगे तो माइनस का 1 आएगी, तो इसने बता दिया यहाँ पे कि जब ये ऐसा केस होगा तो उस केस में अपनी वैल्यू या तो प्लस की या माइनस की, जब प्लस का 1 आया तो प्लस की, माइनस का आया तो माइनस की, ये वैल्यू आपके पास बन जाएगी।
और यही वैल्यू हमने जो है एक्सेल लाइन के केस में की थी। और ये इसने बताया कि हमारी पोटेंशियल जो है या तो मैक्सिमम पॉजिटिव होगी या फिर मैक्सिमम नेगेटिव होगी, इसी पे आपकी मैक्सिमम ये वैल्यू होती है। दूसरा इसका था इक्वेटोरियल लाइन का। इक्वेटोरियल लाइन पे आपको पता है एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, और जब 90 डिग्री करेंगे तो कोस 90 आपको पता है कितना हो जाएगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। क्लियर है, ये जो थे इसके स्पेशल केस थे। इसके बाद आपके लिए होमवर्क है, आपको एक तो आपने ये देखा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी सिंगल चार्ज के कारण होती है, एक आपने देखा डायपोल के कारण, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको पता लगाना है। ये आप बुक में से रीड करोगे कि इनमें डिफरेंस क्या है। अगर आपको किसी पॉइंट में प्रॉब्लम आती है तो वो आप मैसेज कर सकते हो, उसका सॉल्यूशन आपको फिर प्रोवाइड करवाया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज। सिस्टम ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, आपके पास बहुत सारे चार्ज इकट्ठे रखे हुए हैं तो उन सभी चार्ज के कारण एक पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी वो आपको देखनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसकी फिगर देखते हैं। देखिए फिगर में दिखाया गया कि Q1, Q2, Q3, Q4, Qn तक इस प्रकार से आपके पास चार्ज पड़े हुए हैं। इन सभी चार्ज के कारण या सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण इस एक पॉइंट P के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V निकालनी है। हम इंडिविजुअल चार्ज की डिस्टेंस मान लेते हैं R1, R2, R3, R4, R5, R6 और ऐसे चलते चलते nth को हम ऐसे डॉटेड दिखा देंगे Rn कि ये इसकी डिस्टेंस है। क्योंकि आपको पता है जब भी किसी सिंगल चार्ज के कारण आपको किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी हो तो चार्ज की वैल्यू और उस चार्ज और पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये दो चीज़ों की ही जरूरत आपको होती है। तो चार्ज अपने Q1, Q2, Q3 पता है, डिस्टेंसेज भी हमने सबकी मान ली। अब इस P पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे टोटल, तो क्या करेंगे देखो, पहले चार्ज के कारण हम मान लेंगे V1, दूसरे के कारण V2, तीसरे के कारण V3, चौथे के कारण V4 एंड सो ऑन चलते चलते Vn। टोटल निकालना तो क्या करो, सबको ऐड कर दो। देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले तो ये बताया यहाँ पे कि अपने पास n पॉइंट चार्ज हैं और जो किसी पॉइंट P से R1, R2, R3 डिस्टेंस पे लाई करते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज Q1, कि Q1 चार्ज के कारण P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी, ये फॉर्मूला आपको सबको पता है, इक्वेशन फर्स्ट। अब अरे के लिए आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सीधा लिखोगे सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू अदर चार्ज, दूसरे चार्ज के कारण कितनी होगी V2, V3, V4 एंड अप टू Vn। सिर्फ चेंज क्या करोगे, क्यू में 1, 2, 3, 4 n तक और R में 1, 2, 3 n तक। अब निकालोगे आप कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो अगर आपको टोटल निकालनी है तो क्या करो, सबको अलजेब्रिकली ऐड कर दो। तो V निकालना है तो V1, V2, V3 एंड अप टू Vn सबको क्या कर दो, ऐड कर दो। जब सबको ऐड करोगे तो जो टर्म कॉमन है वो तो आपकी बाहर आ जाएगी 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट। वेरिएबल क्या बचा, Q1/R1, Q2/R2। अब देखिए इस प्रकार के समेशन को हम समेशन या इसकी सिग्मा की टर्म में लिख देते हैं, इसको समेशन बोलते हैं इसको हम। देखिए क्यू की वैल्यू 1, 2, 3 से लेके n तक जाती है, तो इसको हम लिख देते हैं जनरली i = 1, यहाँ से लेके कहाँ तक, कैपिटल n से डिनोट किया तो हम इसको ले लेते हैं कैपिटल n, अगर स्मॉल से लिया होता तो स्मॉल n लिख लेते। ऊपर क्यू है क्यू आई, नीचे r है तो r i। क्लियर है, बाहर की आपकी टर्म 1/4 πε0 आपका सेम। ये आपकी जो है टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगी ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज के कारण किसी एक पॉइंट के ऊपर। क्लियर है, आज हम यहीं तक करेंगे, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।